सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू एंड अदर व्लॉग। सो आज है 9 फरवरी, कल थी 8। और आप जैसे कि जो हल्द्वानी से उनको पता होगा, कल कितना बड़ा सीन हुआ था हल्द्वानी में, पुलिस वालों पे जो पत्थरबाजी और हमला वमला हुआ था, जो मार्केट साइड हुआ था। तो जो हल्द्वानी से उनको तो पता ही होगा, जो हल्द्वानी से नहीं है वो न्यूज़ में जाके देख सकते हो कैसे हमला हुआ था। और अभी वो है, 100 से ज़्यादा पुलिस वाले अभी हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। मैंने भी कल एक यूट्यूब जो वायरल क्लिप्स हुई थी वो मैंने यूट्यूब में डाली थी, वो दे जाके आप देख सकते हो जिनको देखनी है। बाकी अभी हल्द्वानी में तो मतलब सहमा सहमा सा माहौल हो चुका है, क्योंकि मैंने तो खुद अभी मैं मतलब 20-21 सालों मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज़ हल्द्वानी में एक्सपीरियंस करी। इससे पहले पहले कभी नहीं हुई थी हल्द्वानी में ये चीज़। अभी पूरा नेटवर्क वेटवर्क बंद कर रखा है, कल रात तक तो मतलब जो सामुड़ी गार्डन है वो मार्केट साइड ही है, तो वहाँ तक नेटवर्क एकदम बंद हो रखे थे। अभी यहाँ भी जो कुसुम खेड़ा है यहाँ भी अब नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अभी देखा तो मेरा नेट वगैरह बिल्कुल नहीं चल रहा था। और कल रात मेरी करण से बात हुई थी, तो करण तो कह रहा था कि गोलू की चलने की आवाज़ भी आ रही है रात को वहाँ। सो अभी जस्ट खाना खाता हूँ, फिर मैं चलता हूँ सीधा साउंड गार्डन, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है सुनने को। तो चलो मिलता है आपको सीधा साउंड गार्डन। सो गाइस, खाना वगैरह मैंने खा लिया, अभी चलते हैं सामरी गार्डन और देखते हैं हल्द्वानी अभी क्या सीन हो रहा है। अभी मैंने कॉल करके पूछा था सोना आयुष से, तो कह रहे थे कि सामरी गार्डन के बाहर तो एकदम पुलिस लगी हुई है और एकदम गंदी चेकिंग हो रही है। मतलब कोई बाहर बाहर जा रहा है तो उससे एकदम पूछताछ हो रही, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो करके। सो चलो देखते हैं, चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो पूरा खाली हो चुका है हल्द्वानी एकदम, गाड़ी वाड़ी बहुत कम चल रही है, कर्फ्यू टाइप लग चुका है। गाइस मैं सामने तो पहुंच चुका हूँ और आप बाहर का माहौल देख सकते हो, एकदम बहुत कम गाड़ियाँ चल रही है। वो भी गाड़ियाँ चल रही होगी तो इमरजेंसी पे चल रही होगी, बाकी सारी दुकानें बंद है। आप देखो सारी दुकानें बंद है, खाली हो रखा है पूरा, कर्फ्यू लग रखा है। क्योंकि देखते हैं कब तक कर्फ्यू लगता है, कब तक सिचुएशन हैंडल होती है, उसी का वेट करते हैं हम भी। आपको भी बताते रहूँगा मुझे जो जो पता चलते रहेगा। सो गाइस, हल्द्वानी में तो लग गया कर्फ्यू, ना कहीं बाहर जाने दे रहे हैं ना कहीं कुछ खुला हुआ है। तो हमने सोचा बैठे बैठे क्या करें, तो अभी सोना ने बोला चल तेरा जो सांगली आयरन वाला घर है वो देख कर आते हैं खाली कैसा लग रहा है। मतलब ऐसा तूने तो देखा ही है, तू बोल रही थी ना देखना है खाली। सो चलते अंदर और देखते हैं क्या हो रहा है अंदर, कैसी कुछ कहीं पता चला कोई साफ अपना खुद गया अंदर तो वो भी दिखाते है। अरे इस घर में पेंट होना था, क्योंकि अगर शायद रेंट में लगाएंगे ना इसको, तो देखिए पेंट की बाल्टी में बहुत पहले रख गया था, अभी तक पेंट नहीं हुआ। आवाज कैसे गूंज रही है, हेलो। अरे राम, देखा गया लड़के ऐसी भी कर सकती है। ये देखना यहाँ पे, देख धूल कितनी जम गई है, ये देख। अरे अरे पूरा इतना बड़ा। सो गाइस सब्सक्राइब टू गौरव सांगुड़ी ब्लॉग्स मार्केटिंग बीबे वाला हूँ ना। और गाइस ये गोलापार से चुराया था हमने, हर जगह से मेमोरी उठा के लाता हूँ मैं। हाँ कोई चोर वोर घुस जाए तो ऐसे हाथ वाथ ना लगा लेना, इसलिए सैनिटाइजर। हाँ वैसे भी गाइस हल्द्वानी में तो अभी कोविड जैसा सीन हो रखा है, तो सैनिटाइजर भी लगा ही लेते हैं। हाँ फिर भी घूमने में लगे हैं। ये तो मुझे बोल रही है क्या? हाँ, इसे ही देख लो। ये था गाइस, अगर ब्लॉग में से कोई मेरा ब्लॉग देख रहा हो और उसको हल्द्वानी में रूम रेंट के लिए चाहिए तो मतलब घर, तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकता है। इट्स अ 3-4 BHK, नॉन फर्निश्ड 3-4 BHK। यस, तो आप आ सकते हो और यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे आप फोटो भी खींच सकते हो लाइट के साथ। और ये गाइस ये मेरा पुराना कमरा आप देख सकते हो, घुसते ही खत्म हो जाता है ये, बस इतना सही है। मतलब इससे बड़ा तो बाथरूम है क्या? हाँ यहाँ पे कबर्ड थी, यहाँ पे सिंगल बेड था। हाँ मतलब मेरा क्या रूम था बताता हूँ, अंदर घुसते यहाँ पे बेड, बेड पे लेटो,
यहाँ पे अलमारी और यहाँ पे एक शीशा लगा रखा था, मतलब बेले इनफ था। और हाँ, और यहाँ पे मैंने थोड़ा लोग के लिए स्टिकर लगा दिया था। मंदिर आप देख सकते हो, देखो गाइस आलू की बोरी को, ये अभी देखना उधर को सोफे की तरफ मुंह करके सो जाइए, सो भी गया बस, इसको मम मुंह छुपा के सोता है ये। सो गाइस अभी हम खेल रहे हैं आपका बैडमिंटन सोना और मैं, क्योंकि और कुछ करने को है नहीं अभी हल्द्वानी में, इधर उधर हम जा नहीं सकते। ये देखो दो बच्चे भी खेल रहे हैं, तो अभी बस करण ला सोना अंदर से ला रही है बैडमिंटन, फिर अपना स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी फॉर बैडमिंटन? यस। देखो हमने अभी बैडमिंटन की बात करी, ये लोग बैडमिंटन में खेलने लग गए। होई राम, मैंने तो ब्लू वाला ही पकड़ा था यार, ब्लू वाला था यार, जो जीता वो ब्लू वाला लेगा। ठीक है, आप थोड़ा आगे खेल लोगे? जस्ट अभी मतलब 10 सेकंड भी नहीं होंगे, मैंने कॉक मारी और इसने कॉक वहां डाल दी। वो दिख रही होगी आपको कॉक, अबे गवार, कैसे निकालेगी? झाड़ू लेके चलते हैं ना, झाड़ू। हाँ तेरा हाथ इतना लंबा है वो छत। चलो चलो एडवेंचर गाइस, कुछ काम करने को तो मिला। पनौती गई की कॉक हमारी, हट हट हट, तनु आते के लिए फिसल गया ना ध्यान। हाँ तो तभी कह रहा हूँ, तू पकड़ी, मैं पकड़ू? मैं पकड़ी, छोड़। निकल गई। अरे ये क्यों खुश हो रहे हैं? छत में कॉक निकालने आए थे और वो लंगूर हमारे जस्ट पीछे से गया है, हमारी फट चुकी थी। कैमरा मैंने तब खोल नहीं पाया क्योंकि हमारे जस्ट पीछे से जा रहा था, मैंने बोला खाली झपट झपट ना ले, बट हमने गब्बर को बुला के अपनी जान बचा ली है। और गब्बर, गब्बर को तो देख क्यूट लग रहा है। अभी तो तेरे पीछे था ना गाइस, फट के हाथ में आ गई थी इसके। पूछो तो देखो इसे कितनी लंबी है, साला लंगूर है हीरो, लब हद से ज्यादा लंबा। वो इधर ही देख रहा है सोना, इधर ही देख रहा है। अबाश ओए भाग, नीचे भाग। सो गाइस बैडमिंटन तो हमने खेल लिया है, अब हम जा रहे हैं पतंग उड़ाने छत में। अब क्यों आ रही है? चलो तो अभी हम सब छत में पतंग उड़ाने के लिए, और आप देख सकते हो छत से कितना प्यारा सनसेट आ रहा है। वो देख पीछे, अब इधर आना। सोनादी की हाइट छोटी पड़ गई ना गाइस। सोनादी की बचपन में हाइट बड़ी थी, छोटी हो गई। हाँ बचपन में मुझसे बड़ी आती थी यार, बचपन में मेरे कंधे तक आती थी, अब देखो मतलब बचपन में मैं इसे कंधे तक आता था, अब ये मेरे कंधे तक आ रही है। और उसको देखो स्माइली को, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लगती है। सो गाइस अभी सांगुड़ियान आया था विशेष, तो अभी मैं और विशेष जा रहे हैं ऐसी थोड़ा हल्द्वानी में देखने क्या माहौल है करके। और आप देख सकते हो सारी दुकानें बंद है, बस ये मेडिकल शॉप खुली है हल्द्वानी में, बाकी गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, बस ज़्यादा नहीं चल रही है, बस ये एम्बुलेंस चल रही है जैसे, और कोई इमरजेंसी में है तो वैसे वो चल, जैसे हम है। तभी हम नैनीताल रोड आए थे और आप देख सकते हो नैनीताल रोड पूरी खाली है, मतलब मुश्किल से मतलब एक दो गाड़ी दिख रही होगी, वरना सारी दुकानें बंद, पूरी रोड खाली है। सो गाइस अब मैं आ चुका हूँ अपने घर, और आजकल मैं यही एंड करता हूँ, कुछ ज़्यादा करने को था नहीं हल्द्वानी में क्योंकि सब बंद था, कर्फ्यू लगा हुआ था, अभी तक कर्फ्यू लगा हुआ, किसी का नेट भी नहीं चल रहा है, मेरा भी बिल्कुल मतलब सुबह से बंद है, अभी तक बिल्कुल भी अभी तक नेटवर्क नहीं आया, 9-10 बज चुके हैं। सो देखते अब क्या होता है आगे, कल क्या होता है, कल नॉर्मल हो जाता है या और स्ट्रिक्ट हो जाता है वो आपको मैं बता दूंगा अगर कुछ ऐसा मुझे खबर मिलेगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, होप लाइक टू द ब्लॉग, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।